अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है, वो है आई विजिट अहमदाबाद 100 यार्ड ओल्ड हेरिटेज रेस्टोरेंट। चलते हैं देखते। बच्चों के लिए है, 8 साल के लिए दिखाना। स्पेशल गुजराती वैरायटी है, नवरात्रि की है। वाओ, सो प्रिटी। वेल, शॉपिंग तो ठीक है, पर गुजरात और गुजराती जाना जाता है फॉर देयर लव फॉर फूड। तो मैं आ चुकी हूँ वर्ल्ड्स फर्स्ट हेरिटेज सिटी अहमदाबाद में टू ट्राई आउट द डिलिशियस गुजराती फूड इन दिस एपिसोड ऑफ आई लव माई इंडिया। केम छो मजा मा। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर, चाहे वो यहाँ की पुरानी इमारतें हो या रंगों से भरे बाजार, चाहे वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम हो या गांधी जी की लाइफ स्टोरी बताने वाला साबरमती आश्रम। अहमदाबाद को इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का खिताब यूं ही नहीं मिला है, और मिले भी क्यों ना। यहाँ की हिस्ट्री और कल्चर के साथ यहाँ का गुजराती खाना भी वर्ल्ड फेमस है, एकदम सरस। पर मेरी नजर है उन रेस्टोरेंट्स पर जिन्होंने ना सिर्फ सबके पेट में पर बल्कि दिल में भी जगह बना कर रखी है। आई एम करंटली एट दी हैप्पी स्ट्रीट नियर लॉ गार्डन विद देयर आर लॉट्स ऑफ फूड ट्रक्स, बट आई विल बी गोइंग टू ऑल दोज हेरिटेज रेस्टोरेंट्स व्हिच हैव बीन इन द सिटी फॉर ओवर 50, 60 और समटाइम्स इवन 100 ईयर्स। लेट्स गो। बन मस्का तो खा लिया, पर अब बारी है एक डिलिशियस गुजराती थाली की, एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। अब रेस्टोरेंट पुराना है तो रास्ते भी पुराने होंगे, और इस ओल्ड सिटी अहमदाबाद को ठीक तरह से एक्सप्लोर करने के लिए एक रिक्शा राइड से बेहतर कुछ नहीं। अब मैं आ गई हूँ चंद्र विलास में, जो 120 साल पुराना रेस्टोरेंट है अहमदाबाद में, और यहाँ बैठकर कई सारे पॉलिटिकल डिसीजंस लिए गए हैं। इनफैक्ट ये शुरू हुई थी एज अ चाय टपरी, फिर जलेबी फाफड़ा इसका इतना पॉपुलर हो गया, और आज यहाँ पर मिलती है एक बहुत ही अच्छी थाली। इनफैक्ट किसी वक्त पे इस थाली का प्राइस था सिर्फ एक आना, पर आज इस थाली का प्राइस है 100 रुपीज़। एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर चिमनलाल हेमराज जोशी ने इसको स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी चाय से। उस जमाने में 18,000 कप चाय
पर डे जाता था, तो लोग आज गुजरात में जितने भी हैं तो ये इस नाम से भी प्रसिद्ध है कि चलो बम्बानी चाय पीवा जाइए। फाफड़ा जलेबी का कॉम्बिनेशन, वैसे फाफड़ा अलग से खाए जाते थे, जलेबी भी अलग से खाई जाती थी, मगर दोनों का कॉम्बिनेशन और पर्टिकुलर डे ऑफ दशहरा वो हमारे यहाँ से ट्रेंड बना है। गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदू चाचा, असरानी का तो गाना भी है हमारे ये शॉप पे, तो वो भी बहुत प्रसिद्ध है। राज कपूर अक्सर आया करते थे, और अभी हमने देखा NDTV पे नरेंद्र मोदी और हमारे गृह प्रधान अमित शाह जी यहाँ बैठ के ये बोले थे कि तो आपको मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनना है। हम जब छोटे थे तब यहाँ की दाल जो बन रही है वो खाते थे, 50 साल पहले की बात बोल रही हूँ, वो इतनी स्वादिष्ट होती थी कि खुशबूदार, और दो दिन तो उंगलियों में भी इसका स्वाद रह जाता था। तो मैं तो सबसे पहले ये थाली ट्राई करूँगी और उसके बाद बारी आएगी जलेबी और फाफड़ा की। Look at this jalebi. अब इतनी अच्छी थाली खाकर और अहमदाबाद घूमकर मन कर रहा है थोड़ा भजिया खा लो। वैसे भूख तो नहीं है, पर रायपुर भजिया हाउस का नाम सुनते ही भूख लगने लगती है। यहाँ की भजियों को कहते हैं हेरिटेज भजिया। माना कि ये पुरानी दुकान है, पर पता करते हैं इसे हेरिटेज भजिया क्यों कहते हैं। किसी जमाने में 1 रुपए की 1 किलो मिलने वाली रायपुर भजिया हाउस में मिलने वाले हेरिटेज भजिया को दिन में 500 से भी ज्यादा लोग खाने आते हैं। 8 बजे जैसे ही ये शॉप खुलती है अहमदाबादियों की लाइन लग जाती है। 1933 में सोमाभाई पटेल का शुरू किया रायपुर भजिया हाउस आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, और इनकी कोई भी ब्रांचेस नहीं। उनकी आज भी एक ही शॉप है जो रायपुर दरवाजा के पास है। तो रायपुर भजिया हाउस के भजिया बनते वहाँ हैं, पर जिसे भी खाना हो उसे यहाँ आना पड़ेगा, पास ही में है 5 मिनट की वॉक पर। और जिसे लेना है उसके 3 एंट्री पॉइंट्स है, एक है लड़कों के लिए मेल, बीच वाला है पार्सल के लिए, और उस तरफ है औरतों के लिए। क्यों चटनी नहीं? तो अब मुझे पता चला इसे हेरिटेज भजिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है यहाँ के भजियों के साथ वो चटनी नहीं देते। ये अपने आप में ही काफ़ी आत्मनिर्भर है, और उनका मानना है कि भजिए का असली टेस्ट बिना चटनी के ही पता चलता है। ये आलू की पतरी, ये आलू बड़ी, और ये मेथी का भजिया, और वाकई में काफ़ी डिलीशियस है और बिल्कुल गर्मा गर्म।
देखा काव्या जी को, कितने कलरफुल ड्रेसिंग हमें दिखाए, कितने मज़े मज़े के रेस्टोरेंट खाने जगहें, बहुत मज़ा खुद भी करती हैं और हमें भी करवाती हैं। और मुझे अहमदाबाद में, और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। सबसे हैरान की बात मुझे ये लगी कि कब्रिस्तान के अंदर ये लोगों ने एक ढाबा टाइप का, होटल टाइप का खोला हुआ है। लेकिन हम ढाबा के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर ओल्ड वो उनके दादा परदादा जो भी थे वो मतलब चलाते हुए वहाँ पर आए, और मतलब कि लोग वहाँ पे बोलते हैं कि मन्नतें मानते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, यानी मुरादें उनकी बोले पूरी भी होती है। अच्छा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक ना देखा ना किसी के मुंह से सुना, आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा और मुझे हैरानगी हुई कि ये कब्रिस्तान के अंदर कोई ढाबा है। यानी मुर्दे भी माशाल्लाह एक रौनक वाले एरिया, कोई ये नहीं है कि यार ये कब्र के अंदर है, तो ये इसी तरह सुनसान एरिया है और एक डर खौफ होता है। लोग भी आ रहे जा रहे हैं, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। शॉर्ट रह जाता है कि यार रात में जब वो अकेले होते होंगे, चाय वाले या कोई अकेला बैठा होगा, इतनी सारी कब्रें होगी, तो वो तो अब मुझे नहीं पता डरेगा या तो देखो ना लोग आ रहे जा रहे, तो जो कब्र के अंदर जो होते हैं जो मुर्दे, वो भी तो इंजॉय कर रहे होते हैं कि हमारे पास रौनक लगी हुई, आ रहे जा रहे, चाय पी रहे, बंद का खा रहे, मस्का बंद खा रहे, हमारे इधर मस्का बंद कहते हैं ना। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर वहाँ की चाय भी इतनी फेमस है, लोग सुबह के टाइम पे भी आ रहे हैं, लोग रात के टाइम पे भी आ रहे हैं। जो 120 ईयर्स वो था, 120 जो वो अंबानी और अमिताभ जी, राज कपूर जी, सब मतलब ये सब आ चुके हैं, खा के गए, पॉलिटिशियंस खा के गए, हर कोई बोले हमारे यहाँ पे इतने मतलब कि लाइक करते, इतना पसंद करते कि सब यहाँ से खा के जा चुके कि इतनी मतलब ये हमारी चीज़, और आज तक उनकी डिलीवरीज वहाँ होती है। बिल्कुल, और ये जलेबी फाफड़ा और चाय भी ना, चाय अच्छा, चाय से वो स्टार्ट हुआ था, फिर थाली और हर चीज। वो जो आंटी ने जो इंटरव्यू में जो बताया कि 50 साल से तो मैं ये दाल खा रही हूँ इनकी, तो यानी कितना फेमस, कितना पुराना। जब राज कपूर और ये सब खाकर गए हैं तो बात ही खत्म हो जाती है कि ये इतना पुराना, या वाकई ये मानी भी काफी, आज तक वो चीजें जगहें और वही डिशेस मौजूद है, कोई चेंज नहीं। हाँ, वही अगर थाली है तो दाल है, तो ये नहीं कि उसके अंदर बिरयानी ये वो यूनिक किया तो दाल को आपने हटा दिया, वही चीजें, एक नाम आपका वो चला चुकी है तो वो चलती भी आ रही है कदमी जमाने से। देखो पुरानी चीज़ अपना स्वाद खुद देती है, खुद अपना टेस्ट। अब नई कोई चीज़ खुलती है, कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है तो हम सोचते यार यहाँ कहाँ मिलता होगा, यहाँ कोई अच्छा होता होगा नहीं होता होगा, यहाँ क्या है क्या नहीं, एक हमारी सोच उस पर चली जाती है ना, कि हम सोचते रहते हैं कि यार पता नहीं हम अच्छा भी लगे या मतलब कि इनकी सर्विस कैसी होगी, तो हम सोचते। लेकिन जो कदीमी जमाने का रेस्टोरेंट होता है वो, और इतनी रश लगी हुई है ना उसकी छाप, वो रेस्टोरेंट नहीं बताता, वो लोग आके बताते यार यहाँ जाओ। अब वो देखो एक सिर्फ पकोड़े 500 लोग आके एक दिन के अंदर, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा ही बड़ी बात है कि 500 लोग एक दिन के अंदर वो पकोड़े खाकर जा रहे हो विदाउट चटनी। बिल्कुल, और वरना तो ये चीजें तो हम खुद भी बोलते जब तक ये चटनी ना हो तो मजा ना हो, तो ये वाकई और ये बात भी हकीकत है कि आपको बगैर चटनी का इनका टेस्ट बता देता है पकोड़े का, पकोड़े हो या समोसे हो, कि वो किस टाइप का ये बना हुआ है। तो जब इतना अच्छा जायका होगा तो विदाउट चटनी एक दिन के अंदर आपकी इतनी सेल करनी, ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, लड़कों का आदमियों का सेक्शन अलग है और औरतों का अलग, यानी इतनी रश होगी ना। जो उन्होंने बताया कि भजिया मतलब उन्होंने बोला आमा चटनी तो आपो, उसने बोला ना चटनी ना वगैर स्वादिष्ट है, असल मजो चटनी ना वगैर वो स्वाद ही बता देता। देखो तुमने लाभ आओ से तुमने और खुशी में, तो उन्होंने लिया, वो सोच रही थी कि मैं खाऊं नहीं खाऊं, फिर उन्होंने वो खाया तो बोले हाँ वाकई में अभी आनो तो मत जानो टेस्ट से, और चटनी ना वगैरह जानो टेस्ट आवे वाकई। और इसी तरह आना चाहिए जो निम्को वाले हैं, वो भी देखो कि कौन कौन आकर नहीं लेकर गए, और निम्को के नाम भी कैसे, मैं खुद हैरान हूँ। तो काव्या जी ने कहा कि आप मुझे भी 1 किलो दे दे, शायद मैं भी उस मकाम में चली जाऊँ। तो वाकई वो निम्को के नाम सुन के तो मुझे भी हैरानगी हुई,
और उन्होंने लिया भी देखो रिस्पेक्टफुली बोली है गुजराती, तो मतलब लेने का तरीका भी कितना प्यार का है। मैंने एक किलो आप जो, तो ये कितनी रिस्पेक्टफुली बात होगी ना कि एकदम सामने वाला और रिस्पेक्ट आपकी करेगा कि एक किलो आप जो मैंने, तो मैंने भी आपको, तो मतलब ये रिस्पेक्टफुली वाली बात हो जाती है। बिल्कुल, और ऐसी बातें और वाकई रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो या बच्चे हो, तो रिस्पेक्ट देने से ही आपको सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट से ही बात करता है, इज्जत देता है और अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और सामने से जो लोगों को आपको मैसेज भी मिलते हैं कि इस तरह रहने से देखो कितना एक अपने आप में चेंजिंग होती है और चेंज लुक आता है। मुझे तो बहुत मतलब कि बहुत नाइस वीडियो लगी मीना, ये बिल्कुल वाकई बहुत नाइस, और जगहें भी देखने मिली और खा वो लोग रहे, जायका हमारे मुंह में आ रहा है। अहमदाबाद तो अहमदाबाद है, और इसी तरीके की मज़े मज़े की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।